रामगोपाल वर्मा ने सलमान खान को दी सलाह। उन्होंने एक्टर को बताया कि आखिर कैसे उन्हें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को करना चाहिए टैकल। रामगोपाल वर्मा ने कहा, सलमान को बिश्नोई गैंग की तरफ से मिल रहे डेथ थ्रेट्स का देना चाहिए जोरदार जवाब। लेकिन क्या सलमान खान फिल्म मेकर की दी हुई इस एडवाइस को मानेंगे? वेल, ये तो सब जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से लगातार सलमान खान को धमकियां मिल रही है। सलमान से जुड़े लोगों को भी उन्होंने डेथ थ्रेट्स भेजी है, जिसमें सलमान के फादर वेटरन सलीम खान भी शामिल है। यही नहीं, रिसेंटली सलमान के करीबी और अच्छे दोस्त बाबा सिद्दीकी को मुंबई में मौत के घाट उतार दिया गया और फिर इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली, ये कहते हुए कि क्योंकि सलमान के साथ बाबा सिद्दीकी का कनेक्शन था, इसलिए उन्हें किया गया टारगेट। इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद जहां सलमान खान की सिक्योरिटी को लेकर मुंबई पुलिस एकदम चौकन्नी है, वहीं अब फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा ने सलमान को सलाह दी है कि वो लॉरेंस के धमकियों पर पलटवार करे। रामगोपाल वर्मा का कहना है कि सलमान को सुपर काउंटर थ्रेट के साथ इसका जवाब देना चाहिए। जी हाँ, फिल्म मेकर ने ये बातें अपने ट्वीट में कही है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आई विश बीइंग सलमान खान विल गिव अ सुपर काउंटर थ्रेट टू बी और अदरवाइज इट विल लुक लाइक अ कावर्डाइज ऑफ द टाइगर स्टार। एसके ओज इट टू हिज फैंस टू राइज अप एज द बिगेस्ट सुपर हीरो इन कंपैरिजन टू बी। अब रामगोपाल वर्मा की इन बातों को सलमान पर क्या असर होता है, ये तो वही जाने। लेकिन हाँ, इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जरूर अपना रिएक्शन दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि आरजीवी सिर्फ आग में घी डाल रहे हैं, तो दूसरों का कहना है कि दबंग सलमान को इस सिचुएशन का सामना टाइगर की तरह करना चाहिए। एक यूजर ने कमेंट किया, Why should Salman Khan give a bigger threat? You guys don't have any trust in the law and order? Rather, you should use your voice and reach to pressurize the government mechanism to imprison the threatener and ensure suitable punishment for him. This isn't a Bollywood movie that a threat by a criminal has to get a counter threat. Ek dusre netizen ne kaha, I hope he responds like a tiger. Ek aur user ka reaction aaya. Don't push buttons, sir. Just to see a movie action scene in real life. We can understand where this tweet is heading to and in which direction. We trust Salman Bhaijaan and believe that he will handle this case in the best way possible. अब देखना होगा क्या सलमान खान माफी मांगने या आरजीवी के कहने के मुताबिक लॉरेंस गैंग को देंगे करारा जवाब या फिर सलमान का है कोई और प्लान। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल स्टारर एसएलबी की फिल्म लव एंड वॉर हो गई है पोस्टपोन। क्या इसके पीछे है कोई बड़ा कारण या फिर फिल्म के एक्टर्स बने हैं फिल्म के डिले होने का रीजन? वेल, फिल्म से जुड़ी ये लेटेस्ट अपडेट फैंस को कर सकती है थोड़ा डिसअपॉइंट। सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली के नेक्स्ट हाईली एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट लव एंड वॉर की अनाउंसमेंट से ही फैंस इसे लेकर एक्साइटेड है और फिल्म के फ्लोर्स पर जाने का इंतजार कर रहे हैं। लोगों की ये एक्साइटमेंट इसलिए बड़ी है क्योंकि फिल्म में रणबीर और आलिया के साथ विकी कौशल भी टीम का हिस्सा बने हैं। पर अब फिल्म को लेकर आई ताजा अपडेट में पता चला है कि फिल्म को स्टार्ट होने में अभी लगभग 2 महीने तक का और समय लग सकता है, यानी फिल्म की शूट स्टार्ट करने में देरी हो रही है। रिपोर्टेडली फिल्म की शूटिंग सितंबर 2024 से शुरू होनी थी, लेकिन डिले के चलते ऐसा हो ना सका और फिल्म के सेट्स का काम अभी भी चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई की बारिश ने सेट को नुकसान पहुंचाया, जिसके वजह से कंस्ट्रक्शन में बड़े डिलेज हुए। ऐसे में अब ये मूवी नवंबर के एंड या दिसंबर की शुरुआत में फ्लोर्स पर जा सकती है,
प्रोडक्शन के एक सोर्स का कहना है कि जब सेट का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो बारिशों से हुए नुकसान के बाद टीम को काम रोकना पड़ा। हालांकि इन सेटबैक्स के बावजूद SLB ने इस वक्त का इस्तेमाल स्क्रिप्ट को और रिफाइन करने और फिल्म के म्यूजिक पर फोकस करने के लिए किया। उन्होंने लीड स्टार्स आलिया, रणबीर और विक्की के साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्कशॉप्स प्लान की है ताकि उनके रोल्स के लिए और अच्छी तैयारी की जा सके। यानी फिल्म के हॉल्ट का कारण मुंबई की बारिश है। खैर, वैसे लव एंड वॉर को लेकर ऐसे रूमर्स थे कि ये फिल्म राज कपूर की संगम का रीमेक है, जबकि एक रीसेंट इंटरेक्शन में मास्टर फिल्म मेकर ने इन अफवाहों को डिनाई किया और क्लैरिफाई करते हुए कहा, जिस तरह आइकॉनिक हिंदी फिल्म्स शोले और मदर इंडिया का रीमेक नहीं बनाना चाहिए, ठीक उसी तरह वो संगम को रीमेक नहीं करेंगे। रवीना टंडन ने खुद पर हुए मॉब अटैक की खोली पोल। क्या उनके साथ हुआ इंसिडेंट सिर्फ उनसे मनी एक्सटॉर्ट करने का एक तरीका था? रवीना ने रिवील किया कैसे ऋचा चड्ढा भी हो चुकी है इस तरह के हादसे का शिकार। वेल, इसी साल जून में रवीना टंडन ने हेडलाइंस बनाई थी जब उनके और उनके ड्राइवर पर मुंबई में एक मॉब अटैक हुआ था और उन पर रेकलेस ड्राइविंग का आरोप लगाया गया था। रवीना ने इस पर बात की है। उन्होंने खुलासा किया कैसे ये सब एक प्लानिंग के तहत हुआ था। रवीना टंडन ने ये भी डिस्क्लोज किया कि लगभग वैसा ही एक सिमिलर इंसिडेंट अगले दिन उनकी दोस्त और एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के साथ भी हुआ था। उन्होंने कहा कि क्योंकि वहाँ CCTV कैमरास नहीं थे जिसे सच का पता चलता, ऋचा ऑफिशियल कम्प्लेन नहीं कर पाई और उन्हें अथॉरिटीज के कहने पर मामले को प्राइवेटली सेटल करना पड़ा। रवीना ने अपने एक रीसेंट इंटरेक्शन में इस फ्राइटनिंग ऑडियल को याद किया जब एक वायलेंट मॉब ने उनको टारगेट किया था। उन्होंने कहा कि ये डरा देने वाला है और मुंबई में एक डिस्टर्बिंग पैटर्न को दिखाता है जो जानबूझकर फियर और इंटिमिडेशन क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है। इस दौरान रवीना टंडन ने शेयर किया उनके साथ हुए इस अटैक के बाद कैसे अगले दिन उन्हें ऋचा चड्ढा की कॉल आई और उन्होंने अपने साथ हुए एक वैसे ही मॉब अटैक के बारे में उन्हें बताया था। रवीना ने कहा, अनफॉर्चुनेटली नो CCTV कैमरास टू रिकॉर्ड द ट्रूथ, इन फैक्ट शी हैड टू पे अप, शी हैड टू सेटल द मैटर, द कॉप्स टोल्ड हर दैट सेटल इट, शी इन फैक्ट द पुअर थिंग वेंट अहेड एंड सेटल्ड। वही अपने केस के डिटेल्स देते हुए रवीना ने कहा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि उन पर हुआ मॉब अटैक उनसे पैसा निकलवाने के इरादे से ऑर्केस्ट्रेट किया गया था। उन्होंने बताया कि कैसे मॉब काफी अग्रेसिव होकर उनके घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था जबकि उनके बच्चे ऊपर थे और उनके हस्बैंड घर पर नहीं थे और ये सिचुएशन तब और क्योटिक हो गई जब मेल स्टाफ मेंबर्स को मॉब के लोग खींचने लगे और उन्हें मारा जा रहा था। इस इंसिडेंट की एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें रवीना भीड़ के साथ सिचुएशन रिजॉल्व करने की कोशिश करती नजर आई थी। ये इंसिडेंट मुंबई के बांद्रा में कार्टर रोड पर हुआ था और रवीना टंडन की बातों के बाद टीम मस से बाकी स्टार्स इसे सबक लेते हुए अलर्ट रहने चाहिए। भूषण कुमार की वाइफ दिव्या खोसला ने रिसेंटली करण जौहर पर डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज करने का आरोप लगाया अमिड द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग जिगरा। ये कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब दिव्या ने अक्यूज किया कि जिगरा का प्लॉट उनकी फिल्म सभी से मिलता जुलता है। दिव्या ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक एम्प्टी थिएटर की फोटो शेयर करते हुए आलिया भट्ट पर बॉक्स ऑफिस नंबर्स मैनिपुलेट करने का आरोप लगाया।
इसके बाद दिव्या और करण जौहर के बीच एक वॉर ऑफ वर्ड्स भी देखने को मिली, जबकि करण ने डायरेक्टली उनका नाम नहीं लिया। एक इंटरव्यू में दिव्या ने कहा, टुडे व्हेन आई स्पीक अप मिस्टर करण जौहर यूजेस डेरोगेटरी लैंग्वेज टू शट मी डाउन, इज इट राइट टू कॉल अ वुमन अ फूल फॉर पॉइंटिंग आउट अनएथिकल प्रैक्टिसेस। उन्होंने आगे कहा, नो वन इज अ किंग हियर एंड आई वोंट बी ट्रीटेड लाइक अ सब्जेक्ट। दिव्या ने आलिया भट्ट को भी टारगेट किया अपने पोस्ट में, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, आलिया डजंट नीड टू रिसॉर्ट टू सच टैक्टिक्स, शी इज ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड, बट ट्रू हीरोइज्म इज इन स्पीकिंग अगेंस्ट रॉन्ग डूइंग। उन्होंने बॉक्स ऑफिस नंबर्स मैनिपुलेट करने के एक्यूजेशंस पर कहा, आई सॉ एन एम्प्टी थिएटर येट जिग्रास ओपनिंग फिगर्स वर इन्फ्लेटेड, दैट नीड्स सीरियस करेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस, सवी और जिगरा के सिमिलर प्लॉट्स को लेकर दिव्या ने क्लेम किया, बोथ फिल्म्स शेयर द सेम स्टोरी बट माय फिल्म वेंट इनटू प्रोडक्शन फर्स्ट। इस कंट्रोवर्सी के बीच करण जौहर ने अपने क्रिप्टिक नोट में लिखा, साइलेंस इज द बेस्ट स्पीच यू विल एवर गिव टू फूल्स। ये वॉर अब कहां जाकर खत्म होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। We are all affected by this incident and it's very unfortunate, but I guess we are all kind of trying to recover from this thing. सलमान खान के करीबी दोस्त और फॉर्मर महाराष्ट्र मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अरबाज खान ने पहली बार की बात। एक्टर फिल्म मेकर अरबाज ने बताया, आखिर कैसा है उनके घर का माहौल। इस ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद क्या अब खान फैमिली के साथ सलमान को भी लगने लगा है डर? वेल, सलमान खान की फैमिली इस वक्त एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, क्योंकि लगातार सलमान को जान से मारने की धमकी मिल रही है और साथ ही उनके करीबियों को भी टारगेट किया जा रहा है, जिसने फैमिली में सभी की चिंता को बढ़ा दिया है। खासकर रीसेंट हादसे के बाद, जिसमें सलमान के करीबी दोस्त और पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया गया और फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली और कहा कि उन्हें सलमान से जुड़े रहने की सजा भुगतनी पड़ी है। जाहिर है, इस अनफॉर्चुनेट और शॉकिंग इंसिडेंट के बाद से पूरा खान खानदान हिला हुआ है और अब एक्टर अरबाज खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म बंदा सिंह चौधरी के प्रमोशन के दौरान जूम से एक्सक्लूसिव बात की और अपने भाई सलमान की सुरक्षा को लेकर फैमिली की चिंता और इमोशनल हालात के बारे में बताया और ये भी कहा कि वो सब ठीक है। He said we are doing fine. I would not say that we are doing absolutely all right because there's a lot happening right now in the family. Of course everyone is worried but I am committed to promoting बंदा सिंह चौधरी. It's my film releasing on October 25 and I have to make sure that the film also goes out. Yes there's a lot happening but I have to do what I have to do. वहीं पूरी फैमिली सलमान की सिक्योरिटी के लिए क्या कर रही है, इस पर अरबाज ने कहा, आई वुडंट से वी आर ऑल ओके राइट नाउ बट वी आर ट्राइंग टू डू व्हाट वी कैन डू द बेस्ट। वी आर इंश्योरिंग दैट एवरीबॉडी अलोंग विद द गवर्नमेंट एंड द पुलिस इज मेकिंग श्योर दैट थिंग्स गो द वे दे शुड एंड ही इज प्रोटेक्टेड। एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट। वी वांट टू स्टे दिस वे राइट नाउ। इस इवेंट पर अरबाज खान ने बाबा सिद्दीकी की डिमाइस पर भी रिएक्ट किया। सी, बाबा सिद्दीकी सर वाज अ वेरी वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड एंड अ वेरी लव्ड पर्सन। उनके साथ हमेशा, आप देखो, ईद के टाइम पे पूरी इंडस्ट्री जमा होती थी, तो उनके जाने का बड़ा अफसोस हो रहा है एंड यू नो वी हैव प्रेयर्स फॉर द फैमिली एंड यू नो वी आर ऑल अफेक्टेड बाय दिस इंसिडेंट एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट आई गेस वी आर ऑल काइंड ऑफ ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम दिस।
thing. आपको बता दें, इस हादसे के बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया है. मुंबई पुलिस ने सलमान के घर के बाहर भी सिक्योरिटी को टाइटन किया है और सलमान ने भी अपने सभी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स और मीटिंग्स फिलहाल के लिए कैंसिल कर दी हैं. उर्फी जावेद ने सेलिब्रेट किया अपना 21st बर्थडे अपने क्लोज बडीज के साथ. उर्फी ने सोशल मीडिया पर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो और पिक्चर्स को भी शेयर किया है, जिसमें उनकी बर्थडे मस्ती को देखा जा सकता है. ओरी ने सोशल मीडिया पर किया अपनी BFF राधिका मर्चेंट को बर्थडे विश. ओरी की बर्थडे विश भी काफी यूनिक रही. ही ड्रॉप्ड अ स्पेशल वीडियो फ्रॉम हर ग्रैंड प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस और इस वीडियो में राधिका मर्चेंट और ग्लोबल रॉक स्टार केटी पेरी के प्लेफुल मोमेंट को कैप्चर किया गया है. हाउसफुल 5 की लीडिंग लेडीज की कुछ पिक्चर्स और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें उनकी कमाल की बॉन्डिंग नजर आई है. वहीं सोनम बाजवा शेयर्ड अ डिलाइटफुल वीडियो शोकेसिंग हर फन फिल्ड मोमेंट्स विद हाउसफुल 5 को-स्टार्स जैकलिन फर्नांडिस एंड नरगिस फाखरी. सोनम रोट ऑन सोशल मीडिया, व्हाट लास्ट फ्यू डेज लुक लाइक फॉर मी, दीज टू ब्यूटिफुल गर्ल्स हैव माय होल. बॉलीवुड एक्ट्रेस राकुलप्रीत सिंह रिसेंटली सफर्ड अ सीरियस बैक इंजरी ड्यूरिंग अ वर्कआउट सेशन. इस इंजरी की वजह से राकुल को बेड रेस्ट के लिए कहा गया है. आपको बता दें, शी डिड एन 80 kg डेडलिफ्ट विदाउट वेयरिंग अ बेल्ट, जो उनकी इंजरी का कारण बना. ऐसी खबरें थे कि मेगास्टार रजनीकांत का पोइस गार्डन रेजिडेंस हेवी रेन्स की वजह से पानी पानी हो गया था, लेकिन अब सुपरस्टार रजनीकांत पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रियाज अहमद हैज क्लैरिफाइड दैट द रिपोर्ट्स आर फॉल्स एंड आल्सो कंफर्मड दैट एवरीवन इज सेफ एंड साउंड. वेल, रियाज अहमद रोट, रिपोर्ट सर्कुलेटिंग about flooding at superstar Rajnikant's residence are false. Everyone is safe and sound.